हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल कमला एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 हिंदी लेसन नंबर 9 अनमोल वाणी। क्वेश्चन एंड आंसर। शब्द वाटिका। कभी कब, चोटी चुटिया या बेणी, अजहू अब तक, काचो कच्चा, पची पची बार बार, चिरंजीवो लंबी आयु, दो दोनों, हलधर बलराम। क्वेश्चन नंबर पहला। ऐसी वाणी बोलिए जिससे, उत्तर, जिससे दूसरों को शांति मिले और अपना मन भी शांत हो। क्वेश्चन नंबर दो। कविता में इस अर्थ में आए शब्द लिखो। ठंडा शीतल, कोई कोई, बलराम हलधर, मक्खन माखन। क्वेश्चन नंबर तीन। कृति पूर्ण करो। श्री कृष्ण द्वारा चोटी के संदर्भ में की गई बातें, उत्तर, मेरी चोटी कब बढ़ेगी, दूसरा, मैं कितनी बार दूध पीता हूँ पर यह अभी भी छोटी है। क्वेश्चन नंबर चार। शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। बानी वाणी, मिलिया मिला, औरन औरो, तैसी वैसी। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। बुरा भला, वाक्य है, भला व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। दूसरा है शीतल, शीतल का होगा उष्ण, वाक्य है, सर्दियों में उष्ण भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर पाँच। भोजन का प्रभाव टिप्पणी लिखो। उत्तर, सुखी रहने के लिए स्वच्छ रहना आवश्यक है। शरीर स्वस्थ रहता है तो मन भी स्वस्थ रहता है। शरीर की तंदुरुस्ती भोजन पर निर्भर करती है। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि भोजन कब और कैसे करें। भोजन नियम से मौन रहकर चबा चबा कर करना चाहिए। भोजन पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए। राजसी भोजन गरिष्ठ होने के कारण शरीर को रुग्ण बनाता है। वहीं तामसी भोजन करने से शरीर, मन और बुद्धि पर घातक प्रभाव पड़ता है। इनसे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। मन तामसी स्वभाव वाला क्रोधी, चिंताग्रस्त और चिड़चिड़ा हो जाता है। बुद्धि स्थूल और जड़ प्रकृति की हो जाती है। ऐसे लोगों का मन मानवीय संवेदनाओं से शून्य हो जाता है। भोजन से शरीर का पोषण तो होता ही है। मनुष्य का व्यक्तित्व यानी गुण, कर्म, संस्कार, स्वभाव भी बनते हैं। इसीलिए कहा गया है, जैसा भोजन खाए तैसा ही मन होए। क्वेश्चन नंबर छह। पाठ में आए अलग अलग काल के वाक्य ढूंढकर उनका अन्य कालों में परिवर्तन कीजिए। उत्तर, ये आप स्वयं देखिए। क्वेश्चन नंबर सात। आगे कुआ पीछे खाई कहावत का अर्थ लिखकर उससे संबंधित कोई प्रसंग लिखिए। उत्तर, रमेश अपने स्कूल की क्रिकेट टीम का कप्तान था। जल्दी ही पास के शहर में क्रिकेट मैच होने वाला था, जिसके लिए अपने स्कूल से रमेश का चुनाव किया गया। इसी बीच यूनिट परीक्षा प्रारंभ हो गई। रमेश चाहता था कि वह परीक्षा न देकर दूसरे स्कूलों के खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट का अभ्यास करे। उसने स्कूल के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे पिताजी रोगग्रस्त होकर अस्पताल में भर्ती है, उनकी सेवा सुरक्षा के लिए मुझे उनके पास रहना होगा, अतः मैं परीक्षा नहीं दे सकूंगा। वह रोज सुबह स्कूल के समय अपना बैग लेकर निकलता, क्रिकेट का खूब अभ्यास करता और स्कूल छूटने के समय वह घर वापस आ जाता। सब ठीक सा लग रहा था, परंतु एक चिंता हर समय रमेश के मन में छाई रहने लगी। यदि प्रधानाचार्य जी को उसके झूठ के बारे में पता चल गया तो वे उसे क्रिकेट टीम से निकाल देंगे। वह सभी शिक्षकों की नजरों से भी गिर जाएगा और पिताजी को भी जब पता चलेगा तो उन्हें बीमार बताकर क्रिकेट का अभ्यास कर रहा हूँ तो उन पर क्या गुजरेगी, क्या वे भविष्य में उस पर विश्वास कर पाएंगे। अब रमेश को लग रहा था कि अपने हाथों उसने ऐसा संकट पैदा कर लिया कि वह कहीं का नहीं रहा। उसने आगे कुआ और पीछे खाई। क्वेश्चन नंबर 8 अनमोल वाणी कविता का भावार्थ आप स्वयं अध्ययन करें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।